दीप सर मैं 24 साल का हूँ और मैं गरीब ब्राह्मण परिवार से बिलोंग करता हूँ और इसीलिए बचपन से ही मुझे तमाम संस्कारों को मानना पड़ा लेकिन जैसे जैसे मेरी समझ बढ़ी वैसे वैसे मैं इन सबसे अपने आप को दूर करता चला गया और पिछले पाँच साल से मैं अपने प्रश्नों के उत्तर ढूंढ रहा हूँ सच कहूँ तो पिछले दस महीने से मैं आपको फॉलो कर रहा हूँ और मुझे मेरे प्रश्नों के उत्तर मिल गए हैं सर जब से मैं पूरी तरह से नास्तिक बन गया मेरे घर वाले और मेरे रिश्तेदार मुझे पागल कहने लगे लेकिन मुझे इन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता बचपन से ही मेरी तमन्ना है कि मैं अंबानी जी जैसा बनूं लेकिन बारहवीं के बाद अपने घर की परिस्थिति देखकर मैं सी का काम सीखने लग गया और काम सीखते सीखते पिछले डेढ़ साल से मैं अपने ही पैसों से सी की पढ़ाई कर रहा हूँ और अब मैं इंटरमीडिएट लेवल तक पहुँच गया हूँ सी खत्म करने के बाद मुझे स्टॉक मार्केट में काम करना है क्योंकि मुझे स्टॉक एनालिसिस करना बहुत पसंद है और मुझे इस काम में मज़ा भी आता है सर मैं आपसे सिर्फ इतना जानना चाहता हूँ कि क्या मैं सही रास्ते पर हूँ थैंक यू दीप सर मैं आपको और आपके शो को सदैव सफल होता हुआ देखना चाहता हूँ मेरी शुभकामनाएं आपके साथ है आपकी चेतना जागृत हो चुकी है ये बड़ी खुशी की बात है बेकार की मान्यताओं परंपराओं और विचार के बंधनों से छूटना हर मनुष्य के लिए आसान नहीं है सौ में से निन्यानवे इस माया जाल में फंसे पड़े हैं और उनका जीवन बर्बाद हुआ पड़ा है सो so, आप वाकई मुबारकबाद डिजर्व करते हैं और मैं आपको देता हूँ अभी मैं आपका दर्द समझ सकता हूँ कि पुरानी मान्यता के ब्राह्मण परिवार में बुद्धि की बात करना बड़ा तकलीफदायक हो जाता है ना? क्योंकि मैं भी ब्राह्मण परिवार में ही पैदा हुआ हूँ ये तो भला हो आर्य समाज का कि दस वर्ष की उम्र में वहाँ पर एक लेक्चर सुनने गया और काफ़ी कुछ सत्य समझ में आ गया मूर्ति पूजा क्या है धर्म क्या है सब समझ में आ गया और जब मैंने वो त्यागा तो मेरे परिवार वाले भी ऊपर नीचे हो गए है ना इतने बड़े परिवार में आज सब तकलीफ में हैं लेकिन जो परमात्मा को थाम लेते हैं और जिन्हें ये दुनिया नास्तिक कहती है वही असली आस्तिक होते हैं अब आप सीए की एग्ज़ाम भी दे रहे हैं और उसे तो खुद कमा भी रहे हैं तो इससे बढ़िया कुछ हो नहीं सकता इसलिए आप बिल्कुल फिक्र ना करें आप जीवन की सही राह पर है आपकी मानसिकता भी सही है चेतना भी जागी है कर्म भी आप कर रहे हैं खुद ही कमा रहे हैं खुद ही पढ़ रहे हैं सो आप जीवन में जो कुछ भी करेंगे हमेशा सफलता पाएंगे लेकिन एक बात जो आप कर रहे हैं कि मैं अंबानी की तरह बनना चाहता हूँ वो हटा लें वर्तमान पर ध्यान दे भविष्य की सोचे मत जीवन को आपको जो बनाना होगा वो बना देगा आप उस बाबत तय न करें आप आज जो परमात्मा ने आपको जीवन दिया है, उस पर ध्यान दे सो आज का जीवन है कि आप अपनी फीस निकालें सी ए बने और अपना करियर बनाए आगे बढ़े आगे के रास्ते इस वर्तमान से निकलते चले जाएंगे और एक दिन आप बड़े बन जाएंगे थैंक यू वेरी मच